मतलब ये दोनों शॉर्ट किया हुआ और इसमें फेज वायर आता मतलब फेज करंट आता है, देखना इसमें डाला कि नहीं चला, नहीं ना चला, इसका मतलब कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कभी भी करंट नहीं आएगा, वो उसमें थोड़ा बहुत करंट आ भी जाता है तो बाईपास की वजह से, ठीक है। अब फेज वायर जो आया सॉकेट के पॉइंट पे जाता है, पक्का है सॉकेट के पांच पॉइंट है, इन दोनों में फेज आ रहा है, दोनों में न्यूट्रल, पर ये जो बड़ा वाला पॉइंट होता है ना ये अर्थिंग भी होता है, कभी भी मैंने इसमें चेक कोई दिया टेस्ट करा इसमें मैं चेक करने लगा कि फेज आ रहा है कि नहीं, वो अर्थिंग भी दिया रहता है, क्यों उसको बड़ा बनाते हैं पता है उसको बड़ा क्यों बनाते हैं अर्थिंग वाले को, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, होता है एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा घट जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस ना बहुत कम रखते हैं लाइक 0.5 से 1 या 2 ओम मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हमने बॉडी कितना है रेजिस्टेंस 1,00,000 ओम, सोचो जब इसमें फॉल्ट करंट आएगा कोई करंट डेवलप होगा यहाँ पर मान लो सॉकेट में और हम लोग को लगे उससे पहले ही क्या कर देगा उसको ग्राउंड कर देगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है और करंट उसी पार्ट को फॉलो करती है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है ना, तो हमारे बॉडी से नहीं जा पाएगी वो, इससे होके ग्राउंड में चले जाएगी, इसी वजह से अर्थिंग लगाते हैं है ना। अब देखो क्या है फेज वायर हमेशा स्विच में जाएगा, कैसे जा रहा है देखो फेज वायर यहाँ से स्विच के एक पॉइंट पर जाता है, स्विच में दो पॉइंट होते हैं ना उसके एक पॉइंट पर जाता है, और ये इससे क्यों जुड़ा हुआ है क्योंकि ये सॉकेट का स्विच है, ठीक है इसीलिए इससे जुड़ा हुआ है, बाकी सारे स्विच को शॉर्ट किया जाता है फेज वायर से, देखो ये चारों शॉर्ट किए हुए हैं फेज वायर से, और ये चारों ही नहीं ऊपर जाकर देखो तो ये भी शॉर्ट किया हुआ है फेज से, ये भी शॉर्ट किया हुआ है और ये भी शॉर्ट किया हुआ है, ये भी शॉर्ट किया हुआ है, सारे स्विचेस फेज वायर से शॉर्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर ये कनेक्शन इसलिए है क्योंकि ये फैन के लिए दिया हुआ है, ये फैन का स्विच और ये फैन का रेगुलेटर भी कनेक्ट है, क्योंकि हम करेक्ट नहीं करेंगे तो फैन को रेगुलेट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सारे पहले देख लो फेज वायर से सारा स्विच शॉर्ट किया हुआ है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट बचता है ना स्विच का जो दूसरा पॉइंट बचता है उसमें भी फेज वायर ही लगा हुआ है, और ये कहा जाता है लोड, हाई लोड, जैसे इससे निकला ना तो एक बल्ब में जाएगा, इससे निकला तो दूसरे बल्ब में जाएगा, इससे निकला तो तीसरे बल्ब में जाएगा, और इससे जो निकलेगा ये जो निकल रहा है ये ऑब्वियसली बाकी तुमको और कुछ जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और बल्ब लगाना है मान लो है ना डिस्को बल्ब लगाना है कुछ भी लगाना है यहाँ से जोड़ सकते हैं, तीन खाली रखे हैं ठीक है, हम लोग कितने यूज किए तीन बल्ब, ये मैक्स चार बल्ब, तो और भी है स्विच खाली है उसमें कुछ नहीं कनेक्ट करना है, हम लोग कनेक्ट फ्यूचर में कर सकते हैं तो दे दिया है ना। अब ये देखो स्विच सॉकेट के लिए है मतलब अभी देखो ये क्या है ओपन, जब इसको क्लोज करेंगे तो ये ऐसे जुड़ जाता है स्विच, हाँ स्विच ओपन है जब इसको क्लोज करेंगे तो ऐसे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो मतलब इसमें पूरे में कनेक्शन आ गया, मतलब आप सॉकेट में कुछ भी डालो तो वो वर्क करेगा ठीक है। और यहाँ पर भी वही है, इसको ऑन करेंगे तो इसमें मान लो एक बल्ब जुड़ी है तो वो बल्ब जलने लगेगा, अब बल्ब कैसे जलेगा, इसको फेस तो मिल गया, न्यूट्रल भी चाहिए बल्ब को ठीक है, बल्ब को दोनों चाहिए होता है फेस भी और न्यूट्रल भी, तो फेस को हम यहाँ से ले रहे हैं न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे, चलो इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि हम लोग जो स्विच बोर्ड बनाया है पहले इसका कनेक्शन दिखाते हैं, देखिए ये स्विच बोर्ड का आगे का पोर्शन है और ये पीछे का, पीछे में यहाँ पर एक अर्थिंग आया हुआ है जो बड़े वाले पिन से कनेक्ट है सॉकेट के, बड़े वाले पिन से कनेक्ट है सॉकेट के, उसके बाद एक पिन में क्या आया है देखो दोनों शॉर्ट किया हुआ है और एक पिन में क्या आया है न्यूट्रल और दूसरे वाले पिन में फेज, हम लोग यहाँ से सप्लाई देंगे फेज न्यूट्रल और ये तो ग्राउंड होगा अर्थ में है ना। अब देखो ये फेज वायर इस स्विच में गया है, इसका मतलब ये जो स्विच है ये सॉकेट के लिए है, जब ये क्लोज होता है तो सॉकेट में सप्लाई आ जाए फिर सॉकेट में कुछ भी लगाओ यूज करो, अब उसके बाद ये सारे फेज वायर से सारा स्विच को शॉर्ट किया हुआ है, पूरा स्विच शॉर्ट किया हुआ है ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट से लोड में कनेक्शन जा रहा है, देखो ये लोड के कनेक्शन हम जो बनाए हैं अभी जोड़े नहीं है, जोड़े के टेस्ट करके दिखाएंगे कि स्विच बोर्ड जो बनाए वो काम कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट लोड को जा रहा है, ये भी। अब देखो फैन में कैसे कनेक्शन है, फैन में जो दूसरा पॉइंट है ये डायरेक्ट फैन में जाना चाहिए था लेकिन इसको क्या किया रेगुलेटर में के साथ
सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। सीरीज कनेक्शन ऐसे होता है ना, बैक टू बैक, मतलब फेस के बाद ये फैन में गया, फैन से ये कहाँ जाएगा, ये वाला वो पार्ट फैन में जाएगा, मतलब फैन को फेस यहाँ से मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से मिलेंगे कनेक्शन करके, या फिर न्यूट्रल डायरेक्ट ले लेंगे जो सब रूम में भेजते हैं ना न्यूट्रल, वहाँ से ले लेंगे। तो अब देखते हैं ये जो बना है काम करेगा कि नहीं। बाकी सारा कनेक्शन समझ में आ गया होगा, फेस वाला सारा शॉर्टिंग है और एक पॉइंट से लोड जाता है, बस इतना ही है। फेस वाला सारा शॉर्ट के रहता है और एक पॉइंट से ना जाता है लोड में, फेस वाला सारा शॉर्ट कर दो एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट से दूसरा जो पॉइंट है उसमें फेस वाला ही लगेगा पर वो कहाँ जाएगा लोड में। पर एक चीज ये निकल जाता है कि सॉकेट को अगर स्विच पर देना है तो फिर उसको सीरीज करना पड़ेगा, जैसे सॉकेट को अगर स्विच देना है तो इसको सीरीज किया तब सॉकेट में सप्लाई आएगा। फैन और रेगुलेटर को अगर सीरीज में करना है तो फैन में पहले फेस दो फिर दूसरे से फैन में जोड़ो तब जाएगा फैन में, क्योंकि सीरीज हो गया। अब चलो इसके टेस्टिंग देखते हैं कि बल्ब काम करते हैं या नहीं। जो स्विच बनाया है हमने जो कनेक्शन किया सही है कि ठीक है, गुड स्टार्ट। ये टेस्टिंग के बाद लिया गया है। अब देखो इसको हम लोग इसमें कनेक्ट करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है ना, पहला वाला जो इसका है टर्मिनल उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना ठीक है, और दूसरा वाला जो टर्मिनल है उसको हम लोग ना किसी एक में लोड जाएगा, इतने सारे हैं ना किसी एक में कनेक्ट कर दिए, किसी एक में कनेक्ट कर दिए और हम इसको मतलब ये वाले स्विच से कनेक्ट किए और इसको हम अभी ऑन रखते हैं ठीक है। तो ये देखो सीरीज में हो गया ये। अब इस न्यूट्रल को और इस फेस को जब हम लोग डालेंगे स्विच में तो देखते हैं बल्ब जलता है क्या।